सवाल समझ नहीं आता। मतलब गणित के कोई सवाल को अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है, तो उसके आसान रास्ते क्या है। देखिए, यहां पर मैं एक मैथ को समझाते हुए ही सारी चीजों को बताऊंगा, तो क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा, कैसे तैयारी करना है वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर मान लेता हूं कि आपके बेसिक ठीक ठाक है, आप कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो फिर यहां से हम शुरू करते हैं। आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट जो है सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता तो लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो पहले एक सवाल को उठाते हैं, और ये एसएससी जीडी का सवाल है। हाथ लगे सवाल मिला तो बोला किसी को उठा लेते हैं। बोलता है कि एक व्यक्ति दो वस्तु को बेचता है, लाभ और हानि का सवाल है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो बोला है उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। तो देखो, पहले पे 8% का लाभ होता है, ठीक है ना? बेचा तो 9,180 में दोनों बेचा है, पहले में अगर 8% का लाभ हुआ है तो हमें यह पता करना है उसने खरीदा कितना में था। तो देखो हम क्या पता कर रहे हैं, खरीदा कितने में था। तो हमने बोला भाई 8% लाभ, तो मतलब क्या है, उसने 100 रुपये में खरीदा होगा तो 108 में बेचा होगा। देखो उल्टा लिखा मैंने, 100 रुपये में खरीदा, 108 में बेचा, लेकिन हम क्या निकालने कि 108 में बेचा है तो खरीदा 100 रुपये में, जिसको निकालना है उसे ऊपर, ठीक है, गुना क्या है 9,180 रुपया, काट कूट किया, ठीक है ना, तो ये 27 हुआ। अब मैं इसको ये 9 से काट रहा है, सॉरी सॉरी, ये तीन तीन, एक मिनट, 4 दून, ये कितना से काट रहा है, 8 1 9 2 18, नहीं 9 1 9, 4 से, 4 से काटा है, सॉरी 4 से काटा गया है ये, ठीक है ना, 4 2 8, हाँ। तो ये फिर हमने 27 को काटा, 9 से काट दिया, 2,295 को हमने काटा, तो 9 से काटा तो इसे भी 255 हुआ। अब 255 है, ये 3 से हमने काटा, ये 255 को तो 85 हुआ, तो इस तरह 8,500 रुपये हुआ, ठीक है। ये तो बेकार का मैंने ये किया, क्योंकि ये काटा वैसे ही था। तो 8% लाभ पे 9,180 को पहला जो है 8,500 में उसने खरीदा था, 9,180 में बेचा था, इसलिए 8% लाभ हुआ। दूसरा क्या है, 15% की हानि होती है, तो भैया खरीदा था 100 में, बेचा कितना में होगा, 85 में। अभी हमने 85 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हम खरीद भाव निकाल रहे हैं, क्लियर। किसका है, बेचा कितने में था, 9,180 में, तो खरीदा कितना में था, ये जब हम काट कूट करते हैं तो काट कूट करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल के आता है वो आता है, यहाँ जैसे जैसे काटा गया है आप देख लेते हैं, बाप रे, ये तो पूरा ही 17 से काटा गया है, तो 10,800। तो देखो ये दोनों चीज, जो एक 8,500 में, दूसरा 10,800 में, तो फिर हम इसको जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 19,300। तो मतलब क्या है, 19,300 में इसने खरीदा है। अब बेचा क्या है, प्रत्येक को 9,180 में बेचा है, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, तो दोनों को बेचा होगा 9,180 को 2 से गुणा के 18,360, तो 18,360 में बेचता है और खरीदता है 9,300 में, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि ना होगा, तो हमने 19,300 से 18,300 घटा दिया, 940 हुआ। एक सवाल का सॉल्व करना हमने देखा। अब देखिए कैलकुलेशन अगर आपका सही है, जैसे हम एक में बताए एक में नहीं बताए, लेकिन मोटा मोटी इसको आप समझ तो जरूर गए। समझ के क्या करेंगे, आप आगे की दूसरी गणित करने चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इस पे कुछ बातें करते हैं। अभी देखिए इस सवाल पे हमने क्या किया था, अभी देखो यहां पर हमने लाभ या हानि वही रखा हुआ है, यहां पे हमने दिया हुआ है। अभी देखो पहले में हमने क्या किया था, हमने पहला स्टेप जो था
8% लाभ है में बेचा गया है, 9180 में बेचा गया जिसमें 8% लाभ था, तो खरीद भाव क्या था? यह हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था क्या कि 15% की हानि हुई है और 9180 में बेचा है, तो खरीदा कितना में है? तो हमारे सेकंड स्टेप में 10,800। तो पहले दो स्टेप किया था, फिर जो इसमें आया कि खरीदा कितने में, ये तीसरा स्टेप है हमारा। तो पहला स्टेप में देखो, पहला स्टेप ये 8% लाभ में है तो हमने निकाला खरीदा कितना में है, 15% हानि होता है तो खरीदा कितना में है, फिर दोनों को जोड़ दिया, तीसरा स्टेप है तो टोटल खरीदने में कितना पैसा लगा, फिर हमें है कि 9180 करके बेचा है तो दोनों को बेचने में कितना पैसा लगा, मैंने बेच के कितना पैसा मिला, ये चौथा स्टेप है। और पांचवा स्टेप क्या है, हमने जो है चूंकि खरीद ज्यादा में लिया है बेचा कम में है तो दोनों का अंतर निकाला तो 940 हुआ, वही 940 हानि हुआ। क्यों? खरीदा ज्यादा में है बेचा कम दाम में है। ये देखो टोटल का हमने एक लॉजिक देखा। अब ये क्या होता है, अब इसको हम समझना शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर जो बोला जाता है नंबरलेस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इस सवाल को अब थोड़ा चेंज कर दिया हमने। देखो अब बोलता है दो वस्तु बेचता है 9180 में, एक वस्तु को 8500 में खरीदता है, दूसरे को 10800 में खरीदता है, कुल लाभ या हानि कितना होता है? देखो यहां पर क्या था, पहले था, पहले परसेंटेज दिया हुआ था, यहां भी परसेंटेज दिया है, यहां पे सीधा बोल दिया 8500 में खरीदा, 10800 में खरीदा। तो पहला दो स्टेप हमें करना नहीं है, क्योंकि पहला दो स्टेप खरीद के हमने क्या किया था, पहले स्टेप को जब हमने किया था तो खरीदा कितना में निकाला था ये, दूसरा स्टेप जो किया था तो जो यहां पर हमने आपको बताया जी, पहला स्टेप खरीदा कितना में था, 8% लाभ मतलब खरीदा कितना में था, 15% हानि मतलब खरीदा कितना में था, यही बोला गया है ना। अब देखो इसी को यहां पर जो है 8500 10800 दे दिया गया है, अब उसका कुल लाभ और हानि क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम तीसरे स्टेप से कर रहे हैं, 8500 और 10800 को जोड़ दिया, बोला कि 19300 इसमें खरीदा है, और हम क्या करते हैं 9180 से दो वस्तु को तो 18360 में बेचता है, तो देखो फिर खरीदता है 300 में, 9300 में बेचता है कम दाम में, अगर खरीदेगा ज्यादा दाम में बेचेगा कम दाम में तो क्या होगा, हानि होगा। तो इस तरह से 940 रुपए की हानि हमें निकल गई। तो देखो ये हमारे पास जो है एक और सवाल हमने देखा, हमने जानबूझ के उस सवाल से एक सवाल निकाला कि हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि है भाई हमें लाभ और हानि निकालना है दो वस्तु का है, तो उस टोटल खरीदा कितना में है, टोटल बेचा कितना है, उससे अंतर निकाल दो, अंतर अगर माइनस में निकलता है तो फिर क्या वो हानि होता है, क्लियर। यह हमारे पास आ गया, हम इसी सवाल पे चल रहे हैं। अब देखो वही सवाल फिर है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है, उसे एक वस्तु को, अब देखो वहां पर पहले सवाल में यह 8% का लाभ था, यहाँ पे डैश है, दूसरी वस्तु का 15% की हानि है, उसकी कुल हानि 940 है। अब देखो पहले में तो हमने ये पहला स्टेप था याद है ना, तो यहाँ 8% था इसलिए 8500 दिया हुआ, यहां तो कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम ये जो दिया है पहले इसको तो कर ले, 9180 है 15% की हानि होती है, तो इसको तो सेकंड वाले को कर लेते हैं, तो ये 10800 निकल गया। अब 9180 करके दो वस्तु को बेचेगा कितना, 18360 में, उसमें एक को उसने जो बेचा खरीदा था 10800 में, ठीक है ना, तो उसने जो किया, हमने इसको घटा दिया, अंतर निकाला 7560 निकला। अब हमें बोलता कि 940 रुपया, अब 940 रुपया तो हानि हुआ है, तो नेचुरली
यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो देखो 940 रुपया जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया 8500, ये खरीदता है। अब देखो इस सवाल को जैसे ही आप करने लगोगे ना तो आपकी कंसेप्ट बिल्टअप होनी शुरू होती है। ये आप प्रैक्टिस जैसे करते हैं, आप मेरी बात ना मानो, इस वीडियो को देखते हुए चारों सवाल के लिखते हुए करो। अब देखो बोलता है हमें प्रतिशत निकालना है, 8500 रुपया तो निकल गया, यहां तो प्रतिशत बोला है, तो भैया 8500 में उसने क्या खरीदा है, बेचा है 9180 पे, और ये भिन्न को अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत में निकल जाता है, और इसे काटेंगे तो 108% होगा। 108% में 100% तो मूलधन है, मतलब जिस कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ठीक है ना, तो हम 100% घटा दिए तो 8% का लाभ ऐसे निकल गया। तो देखो इसी वही सवाल है, चूंकि आप किए हो इसलिए पता चलता है, नहीं तो आपके लिए एक नए टाइप का सवाल है। तो यही कंसेप्ट बिल्टअप होता है सवाल में। देखो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, एक संख्या को छोड़ देते हैं तो 4 सवाल इसमें बनते हैं, और ये 4 सवाल को जब करते हैं तो आपकी कंसेप्ट जो है तैयार होने लगती है। अब देखो 8% का लाभ इसमें तो दे दिया है, इसका नहीं दिया है, अब इसको कैसे करेंगे? तो सीधी बात है, वही है 8% का लाभ जो 8500 कैसे निकाला था पता है। अब है कि दोनों वस्तु को बेचने पर देखो कितना मिलेगा, ठीक है ना, ये तो हमें निकालना है, यहां पे 15% हानि निकालना है। अब इसको निकालने के लिए उल्टा क्या चलेंगे, पहले मेरे को 10800 चाहिए होगा ना, तभी तो ऐसे जाएंगे। अब तो आपको रास्ता दिखने लगा है, अब क्या करेंगे, पहले 19180 को 2 से गुणा करके 18360 किया, और हमने जो 19% ये जो अच्छा 8% लाभ जो था 8500 था, 8500 को घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9860 रुपया। अब 9860 रुपया और हमें हानि क्या हुआ है, 940 रुपया, इसको जोड़ देंगे, इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो ये देखो 10800, ये देखो हम पहुंच गए यहां पर। तो ये जैसे जैसे आप करोगे ना तो आपको समझ डेवलप होने लगेगा। तो मतलब इस तरह के सवाल या तो आपको बनाना है या कहीं से बनाया हुआ आपको प्राप्त करना है, जिस पे थोड़ी सी कलम चलाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, कंसेप्ट चकाचक हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कैसा भी घुमा दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए अब देखो क्या है, 10800 में खरीदा है, बेचा कितने में, 9180 में, ये भिन्न है, इसे 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला कैलकुलेशन आपका सही है, मैंने पकड़ लिया, काटने वाटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो ये तो होने से रह गया आपका, क्योंकि ये काटने में ही आप भंवर जाल में फंसते हुए रहेंगे। ये आसान है लेकिन इस तरह के जैसे सवाल होंगे तो होंगे, तो साथ साथ में आपका बेसिक कैलकुलेशन भी होना काफी जरूरी है। अब यहां पर जैसे आते हैं तो 85% हुआ, अब है कि क्रय मूल्य क्या है, 100% पे है, तो 85 से 100 अगर घटाते हैं तो क्या है, -15%, माइनस मतलब हानि होता है, तो यही 15% की हानि होती है, तो आप यहां पर पहुंच गए। अब देखें पहला सवाल क्या था, ये सवाल था लाभ या हानि, ठीक है ना। इस सवाल के ऊपर हमने क्या बनाया था, हमने क्या किया था, हमने यहां पर 8% के जगह 8500 कर दिया था, 15% के जगह 10800, जब इसको बना रहा था तो हमारे 8% मूल्य निकल गया था, 15% मूल्य निकल गया था, इसको देके हमने एक सवाल बनाया। इस सवाल का देखो दूसरा सवाल, इससे हमारी समझ में आ गई कि हमें लाभ और हानि रुपए में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी प्रतिशत में नहीं है। अब देखो दूसरा हमने क्या निकाला, यहां पर जो 8% था यहां पे हमने छोड़ दिया, 15% लिया, 9180 सारा चीज है, इससे हमने यहां पे कैसे प्रतिशत निकलेगा, यही तो बोलते हैं ना क्वेश्चन घूम गया है। तो पहले ही से हम देखो ऐसे 30 सवाल करते हैं 120 सवाल बन जाता है,
और कंसेप्ट पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। फिर अब चौथे सवाल पे आए हैं, ठीक है ना, इसमें हमने यहां पर जो 15% था उसको ऑफ कर दिया और सवाल को सॉल्व करके हमने निकाला। तो आपके दिमाग में होगा इतने सारे चीजों को कहां से लाऊं। अब दो ही चीज है, या किसी के ऊपर आप बेस करके वो लाके देगा, आप करेंगे ये होगा, या तो नहीं तो आप ही जो है आपके किताब के जो सवाल है उसमें जो है इस तरह की चीजों को आप क्रिएट करना शुरू करेंगे, और जैसे ही क्रिएट करने जाएंगे आपकी कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी। सिंपल से बड़ी बात है, नहीं तो वो झुनझुना लेके आप गाते रहिए कि यार मेरे को सवाल पढ़ के समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, बहुत सीरियस ही बात है। तो इसके लिए मैं एक आप लोगों को देता भी हूं, लेकिन ये नहीं है कि पूरा रास्ता आपके साथ चलूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कृपया फोन नहीं कीजिएगा, नाम लिखिए किस शहर से है, किस स्टेट से है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम, भैया क्लास 8, 9, 10 का नहीं, जो भी कंपटीशन एग्जाम आज से 45 दिन के बाद का है उसका नाम लिखिए, क्योंकि वहां की तैयारी की शुरुआत आप मैं करवा दे सकता हूं, क्योंकि ये स्टार्ट विद द फ्री कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास। इसमें बेसिकली अंक गणित को लेके होगा, बाद में एडवांस मैथ और सारे चीज आएंगे। एक फ्री कंसेप्ट बिल्डिंग क्यों, क्योंकि इसके जो वीडियो है, वीडियो के साथ जो आपके जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपको चाहिए, जो फ्री में चाहिए, लेकिन किसी यूट्यूब में उसको दिया नहीं जा सकता है, तो जिसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप पे बुलाने की जरूरत है। फिर फ्री करने के बाद जो इसके जो चैप्टर वाइज है 50 से 100 रुपए के अंदर में होते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो यहां तक आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये बोलना छोड़ दीजिएगा कि आपका जो है कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, सवाल पढ़ के करना क्या है। हाँ, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब करने के लिए एक सवाल को समझने के लिए आपको 5 से 6 मिनट वीडियो देख के, फिर वो जो मूर्ता है उसको करने के लिए 2, तो मतलब एक सवाल से 4 सवाल होता है सीखने के लिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं हो लगता है। और प्रैक्टिस जब करते हैं, 1 सवाल पे 1 मिनट, तो 5 सवाल पे 5 मिनट, चलो मैंने 2-2 मिनट करके दे दिया, तो आप 5 सवाल को 20 मिनट में सीखते हैं, मतलब 1 सवाल को 4 मिनट में सीखते हैं, तो 1 घंटे की मेहनत से 15 सवाल सीखते हैं, 30 दिन की मेहनत से 450 सवाल सीखते हैं, आप उभर के उतर जाते हैं। अगर जीवन में 1 घंटा भी नहीं है और अपने हिसाब से ही आप सीखेंगे, ये दोनों अगर स्थिति आपके साथ है, तब तो आपके लिए मेरी शुभकामना ही है, क्योंकि और कुछ किया नहीं जा सकता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।